नमस्कार दोस्तों, और मैं आपको ये उत्तर प्रदेश लेखपाल के जो हमें इनपुट्स मिले हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा बिल विद प्रूफ। तो आप दिवाली पर योगी जी का एक तोहफा मान लीजिए या क्या मान लीजिए, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्योंकि यूपी जो लेखपाल की भर्ती है उसकी कुछ अपडेट आई है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। पर इस बार एक ड्रास्टिक चेंज आया है एग्ज़ाम पैटर्न में, जो उसका सिलेबस है, क्योंकि आपको पता है यूपी लेखपाल भर्ती के अभी फॉर्म आए थे 2 महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले फॉर्म आए थे, आपको पता है उसमें इन्होंने ओबीसी की वैकेंसी नहीं दी थी। तो ओबीसी की, क्योंकि इन्होंने क्या नाम, ओबीसी की जो उन्होंने जो वैकेंसी नहीं दी थी, इसी वजह से जो आयोग है, आयोग ने फॉर्म रद्द कर दिए थे। तो अब उसका जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस जो उसका होना था वो हो चुका है, भर्ती आपकी तैयार है। पर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता था पहले जब लेखपाल की भर्ती आई थी तब इसमें इंटरव्यू था, पर अब इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। तो अब जो इंटरव्यू ख़त्म किया गया है, इसकी जगह जो सिलेबस है, सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज आया है, तो मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखे देखे यूपी लेखपाल भर्ती की जो अपडेट है, फॉर्म कब तक आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पूरा का पूरा ब्यौरा मैं आपको दूंगा। कृपया वीडियो में बने रहे, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ड्रास्टिक वे में चेंज हुआ है। भाई साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, सिलेबस चेंज किया गया है क्योंकि इंटरव्यू ख़त्म किया गया है, तो मैं आपको सिलेबस भी बताऊँगा इसका, तो प्लीज़ बने रहें। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाऊंगा, उसके बाद में आयोग का नोटिस दिखाऊंगा, तो बने रहें। देखिए, इधर लेखपाल के 6,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने प्रस्ताव तैयार करने का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द से जल्द भेजने का निर्देश दिया। ये थी अब से कम 15 दिन पहले की न्यूज़, और मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। एक आर्टिकल छपा है, देखिए ये आप जो क्या नाम, जो इसका चयन आयोग है यूपी का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, उनका एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक आयोग है, उस पर ये आर्टिकल आया है कि जो 6,000 पोस्ट जो वैकेंट थी लेखपाल यूपी की उत्तर प्रदेश में, उसका जो प्रोसेस है वो देखिए नीचे आप पढ़ सकते हैं, रिक्वायरमेंट प्रोसेस स्टार्ट सून मे बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि वहाँ पर संशोधित किया गया था, यूपी गवर्नमेंट का प्रेशर है कि इस वैकेंसी को नवंबर में लाया जाए, पर आप प्रोबेबली दिसंबर में मान सकते हैं। दिसंबर के कब, तो दिसंबर में भाई साहब इसकी जो बात करी जा रही है, ये 16 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और 18 दिसंबर को इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। और इसका सिलेबस जो है, सिलेबस में बहुत चेंजेस है। पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ, कितनी पोस्ट क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज है, सब कुछ बताता हूँ। एक मिनट आप रुकिएगा, मैं बने रहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो पहले जो नोटिफिकेशन आया था, आपको पता था कि उसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा गया था, पर जब इन्होंने इंटरव्यू हटा दिया है, और तो जो दोबारा नोटिफिकेशन आएगा उसमें 12वीं पास चाहिए बंदा, और ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए, तो और ग्रेजुएट कैंडिडेट डिसिप्लिन, या फिर अगर कोई बंदा ग्रेजुएटेड है तो वो भी पास कर सकता है, पर उसको भी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिएगा, क्योंकि इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है तो ट्रिपल सी कंपलसरी कर दिया गया है। और इसकी एज वही है 18 से 40 साल, ये जनरल की है, और ओबीसी को वही 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एसटीएससी को वही जितना उनको मिलता है। तो मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में लोगों को इसके जो यूपी लेखपाल के में बहुत ही कन्फ्यूज़न है। देखिए, जनरल हिंदी के आपको 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, जो आपको सुनने में आया था कि डेढ़ मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये 1.5 मार्क्स का हटा दिया गया है, अब सिर्फ 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का एक पेपर होगा। जनरल हिंदी में इतना आएगा, मैथ में इतना आएगा। जो जीएस का सिलेबस है, जीएस में बहुत कुछ है, वो जीएस का सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा, और ये रूरल विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट का ये एक अलग से है, मैं आपको इसका भी बताऊँगा। तो पहले विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, किस किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, सब कुछ, तो बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं हिंदी पर। अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सव, तद्भव, संख्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, ये सिलेबस ऐसा है जो यूपीएसआई में भी आएगा और यूपी लेखपाल में भी आएगा, तो जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और यूपी लेखपाल का भी पेपर देना चाहते हैं तो उनको इसमें बेनिफिट है। और अगर आप मैथ्स का पेपर देखें तो मैथ्स में ये भी बिल्कुल पूरा सेम है, यूपीएसआई का संख्या पद्धति, आंकड़ों, वर्गीकरण, और जितना भी पूरा का पूरा सिलेबस, बस ये एलजेब्रा थोड़ा एडवांस आ गया, ज्योमेट्री, एलजेब्रा और ज्योमेट्री यूपीएसआई में नहीं होता है, तो आपको एलजेब्रा ज्योमेट्री थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो इसमें जो अर्थमेटिक का है वो तो यूपीएसआई वालों का सिलेबस है, ये यूपीएसआई वालों को थोड़ा, ये सीजीएल लेवल का आता है मैथ, देखो सीधी सी बात ये है, सीजीएल लेवल का, क्योंकि सीजीएल लेवल का मैथ बहुत हार्ड आता है, तो इसलिए एलजेब्रा ज्योमेट्री भी जोड़ दिया गया है इसमें। और जो जनरल नॉलेज का है,
देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समय से घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, विश्व भूगोल बहुत आएगा इसमें, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान, ये भी ये बहुत दैनिक अनुभव, परीक्षण से संबंधित विषयों के सहित विज्ञान के सम्मान प्रदान की जा सकती है। अब ये जो है परीक्षण से संबंधित विषय सहित विज्ञान के सम्मान में प्रदान की जा सकती है। अब इसका मतलब क्या है भाई साहब, ये पटवारी का ऐसा पेपर होता है, पटवारी में एक बार पूछा गया था कि जो अगस्त है उसको हिंदू कैलेंडर में क्या कहते हैं, फागुन चैत्र पता नहीं क्या क्या, तो इनका कुछ नहीं पता क्या पूछ लें, तो आपको थोड़ी जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। और ये जो है रूरल विलेज सोसाइटी डेवलपमेंट ग्राम विकास भारतीय संसद कार्यक्रम एवं विकास योजना प्रबंधन ग्राम विकास शोध प्रणाली योजना, तो ये जो इसका है इसकी एक बुक आती है, मैं आपको जो यूपी लेखपाल की जो बेस्ट बुक है मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है यूपी लेखपाल के लिए, तो उसकी वीडियो मैं एक अलग बनाऊंगा आपको। तो ये थोड़ा सा बस एक तो ये चेंज आया है सिलेबस में, ये परीक्षण से संबंधित। अब इनका क्या है, ये साले क्या पूछ ले क्या ना पूछ ले इनकी बात जाने। और ये ग्राम विकास का तो था ही इसमें, ये ड्रास्टिक चेंज तो ये है, और एक ट्रिपल सी, क्योंकि बहुत से बच्चों की ट्रिपल सी हो ही नहीं है, तो ये बात है कि भाई ट्रिपल सी जिसकी नहीं हो रही है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करा लें, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया, मान के चलो 1 दिसंबर को उन्होंने दे दिया कि भाई 1 दिसंबर को हम फॉर्म दे रहे हैं, और उन्होंने डेट दे दी कि फॉर्म एंड होने से पहले पहले बच्चे की ट्रिपल सी उस डेट तक होनी चाहिए, तो बताओ फिर कहाँ से बना लोगे ट्रिपल सी के भाई साहब। 1 महीने में ट्रिपल सी का फॉर्म भरोगे, उससे 1 महीने छोड़ के 3rd महीने उसका पेपर होगा, 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, 5 महीने बाद रिजल्ट आएगा आपका, तो इतना टाइम तो इसमें लग। तो भाई बात यह है, मैं आपको पूरी जो किताब है बेस्ट बुक्स हैं जितनी भी मैं आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बता दूंगा कि आपको कब पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो भाई साहब ट्रिपल सी तो प्लीज़ ज़रूर करा लें जिसका ट्रिपल सी ना हो, और प्लीज़ चैनल को अगर किसी कोई अपडेट होगी या कुछ भी होगी मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा यूपी लेखपाल का, जैसे ये रूरल विलेज सोसाइटी डेवलपमेंट इसके ऊपर एक कंटेंट पूरी की पूरी कंटेंट, इसको तो मुझ पर छोड़ दो आप, इसको ये तो मैं आपको अच्छी तरह करा दूंगा, और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्या घटना ये भी मैं आपको करा दूंगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी मैं आपको करा दूंगा, और इसमें जो है राज्य व्यवस्था ये भी मैं करा दूंगा। और भाई मैथ वगैरह देखो कहीं और से पढ़ लेना, नहीं मैं बुक बता दूंगा आपको कि आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स रीजनिंग की, तो कहीं भी नहीं भाई, किताब ऐसी बता दूंगा आपको भाई साहब कि अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में ना आए ना तो उसमें एक QR कोड आता है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए उसको स्कैन करो, उसका सॉल्यूशन किताब के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है बंदे ने जिसकी किताब है वो, तो मैं आपको पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।